केरल के कोझिकोड जिले में हुई दो लोगों की अप्राकृतिक मौत ने दहशत का माहौल पैदा कर दिया है, क्योंकि इन अप्राकृतिक मौत के बाद केरल स्वास्थ्य विभाग ने जिले में निपाह वायरस से संबंधित अलर्ट जारी कर दिया है और ये अलर्ट जारी करने का कारण निपाह वायरस की वापसी है। बता दें, कोझिकोड जिले में 2018 और 2021 में भी निपाह वायरस से मौत दर्ज की गई थी। उस वक्त इस वायरस की वजह से 17 लोगों की जान गई थी। अब इस खतरनाक वायरस की वापसी ने डर का माहौल पैदा कर दिया है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि निपाह वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या है और इससे बचाव कैसे हो सकता है। बता दें, निपाह वायरस एक खतरनाक वायरस है जो जानवरों से इंसानों में फैलता है और यही वजह है कि इसे जूनोटिक वायरस भी कहा जाता है। ये वायरस फ्रूट बैट्स यानी चमगादड़ से फैलता है। हालांकि ये वायरस चमगादड़ के अलावा सुअर, बकरी, घोड़े, कुत्ते या बिल्लियों जैसे अन्य जानवरों के जरिए भी फैल सकता है। ये वायरस आमतौर पर किसी संक्रमित जानवर के बॉडी फ्लूइड्स जैसे खून, मल, पेशाब या लार के संपर्क में आने से फैलता है। आपको बता दें, इस वायरस के संपर्क में आने के 4 से 14 दिन के अंदर व्यक्ति में लक्षण नजर आने शुरू हो जाते हैं और इसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, सांस लेने में कठिनाई, खांसी और खराब गला, दस्त, उल्टियां, मांसपेशियों में दर्द और बहुत ज्यादा कमजोरी हो सकती है। वहीं गंभीर मामलों में ये वायरस दिमाग में संक्रमण की वजह बन सकता है, जो जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसके गंभीर मामलों में कंफ्यूजन, बोलने में परेशानी, दौरे पड़ना, बेहोशी छाना, रेस्पिरेटरी संबंधित दिक्कत हो सकती है। वहीं मालूम हो, निपाह वायरस के इलाज के लिए कोई वैक्सीन या दवा मौजूद नहीं है। ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखकर इसके लक्षणों का असर कम किया जा सकता है, जिसमें बहुत सारा पानी पीना, भरपूर आराम करना, एसीटामिनोफेन या इबुप्रोफेन लेना, उल्टी के लिए दवा खाना, सांस लेने में कठिनाई होने पर इनहेलर या नेब्यूलाइजर का इस्तेमाल करना और दौरे पड़ने पर एंटीसीजर दवाई लेना शामिल है। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी वायरस से बचाव करना होता है और जब आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां निपाह वायरस फैला हुआ है तो कुछ बातों का ध्यान रखकर आप इससे बचाव कर सकते हैं, जैसे साबुन और पानी से हाथों को बार बार धोना, बीमार सुअरों और चमगादड़ों के संपर्क में आने से बचना, ऐसे पेड़ों या झाड़ियों के पास जाने से बचना जहां चमगादड़ आराम करने या सोने जाते हैं, उन चीजों को खाने या पीने से परहेज करना जो दूषित हो सकती हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी, वायरस से पीड़ित व्यक्ति के लार, खून या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आने से बचे। वहीं निपाह वायरस से संक्रमित व्यक्ति की देखभाल करते समय PPE का इस्तेमाल जरूर करें। लेकिन फिर भी हम आपको यही सलाह देंगे कि वायरस के लक्षण दिखते ही आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।